का नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर चुनाव कभी खत्म नहीं होता। एक चुनाव खत्म होता है तो राजनीतिक दल दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जनता को लगता है कि चलो चुनाव खत्म तो हुआ, लेकिन उसी दौरान एक दूसरे चुनाव की तैयारियों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की पार्टियां उत्तर प्रदेश में आकर के तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर देती हैं। और अब समय आ चुका है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में होने वाले सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर के। 2024 में ये लोकसभा के चुनाव होने हैं, तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, कई राज्यों में बीजेपी जीती हुई है। पिछले दो बार से लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीतती आ रही है। केंद्र में उनकी एक मजबूत सरकार है, लेकिन उसके बावजूद लगातार उनकी कोशिश और उनका प्रयास ये है कि जहां पर जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी खत्म करके वहां पर भी बेहतर नतीजे लाए जाएं। अब बीजेपी के सामने अहम समस्याएं ये हैं कि बीजेपी जो स्टेट की रीजनल पार्टीज हैं उनसे कैसे निपटेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी की सरकार वाली राजनीतिक दल या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी वहां पर अपोजिशन में है, फाइट करती हुई नज़र आई है। लेकिन वहां पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने आप को इस तरह से मजबूत करे हुए हैं कि बीजेपी के लिए वहां पर काफ़ी समस्याएँ हो सकती हैं, ऐसा इनका कहना है। अब बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश भी लोकसभा चुनाव के मायने से बहुत ही अहम प्रदेश है। राजनीति का गढ़ कहा जाता है और लगातार यहाँ पर प्रयोगशालाएं राजनीति के नाम पर होती रही हैं। प्रयोगशालाएं कैसी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के नाम पर, अलग अलग मुद्दों के नाम पर, अलग अलग समस्याओं के नाम पर यहाँ पर राजनीतिक दल बने हैं। और वो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं दूसरे बड़े राजनीतिक दलों के साथ मिल करके या फिर अलग हो करके काफ़ी कुछ समस्याएं सत्ता के लिए और दूसरी अन्य राजनीतिक दलों के लिए खड़ी करते हुए नजर आए हैं। उन्हीं में से एक पार्टी है सुभाजपा, जो कि बीजेपी के साथ रह करके पिछले 5 साल तो नहीं, लेकिन हाँ 2.5 साल जरूर सरकार में थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वहाँ से अलग होने के बाद वो पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजे अभी कुछ दिन पहले आए हैं, समाजवादी पार्टी के अलायंस में आए थे और उसके बाद सपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा भी है कि जब बीजेपी के साथ हम थे तो बीजेपी 325 सीटें जीती थी, बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो वो 270 के करीब आ गई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरब में SBSP का कितना दबदबा है, ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते हुए हैं। और अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक और बड़ा बयान आया है 2024 के चुनाव को लेकर के। दरअसल सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम एक नया मोर्चा, एक थर्ड मोर्चा बनाएंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। इसमें वो राजनीतिक दल रहेंगे जो अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी मजबूत हैं। ये मोर्चा या फिर ये महागठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, कांग्रेस के अलग होकर के ये मोर्चा या महागठबंधन बनेगा जो कि बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेगा। और इसमें सबसे प्रमुख वो नेता, वो पार्टियां रहेंगी जो अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी की समस्याएं बढ़ाते हुए नजर आए हैं। कई सारे स्टेट्स का नाम भी लिया, जिसमें वेस्ट बंगाल का नाम ओम प्रकाश राजभर ने लिया, दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार का नाम, केजरीवाल का नाम उन्होंने लिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अपना नाम भी उन्होंने लिया, कई सारे बिहार का नाम भी उन्होंने लिया, कई जगहों के, कई प्रदेशों के उन राजनीतिक दलों का नाम लिया गया जो बीते अपने अपने प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी की समस्या बढ़ाते हुए नजर आए हैं। इन सबको इकट्ठा करके एक नया मोर्चा बनाया जाएगा जिसका नाम महागठबंधन दिया जा सकता है और 24 के चुनाव में वो बीजेपी की समस्याओं के लिए खड़ा होता हुआ नजर आएगा, ये कहा गया है। ऐसे कई सारे प्रमुख स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां पर कई सारी रीजनल पार्टीज हैं जो बीजेपी के लिए काफ़ी समस्याएं भरी हैं। और अगर उनकी बात करी जाए तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, इन स्टेट्स में वो स्टेट की जो रीजनल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या पैदा करती आई हैं। बीजेपी वहां पर सत्ता में नहीं आ पाई है, बीजेपी वहां पर
अपोजिशन में रह गई है, थर्ड नंबर पे आई है, सेकंड नंबर पे आई है, लेकिन सत्ता पाने की लड़ाई बीजेपी की तरफ से लगातार रही है। लेकिन 24 के लिए जो रोड मैप अगर ओम प्रकाश राजभर के बयान को सुनने के बाद सोचा और समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये रोड मैप अगर सही दिशा में जाता है, ये महागठबंधन बनता है जो कांग्रेस को अलग करके बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये महागठबंधन बीजेपी के लिए दिक्कतों भरा हो सकता है अगर ओम प्रकाश राजभर की बात सही निकली तो। वैसे ओम प्रकाश राजभर की बात सही मानी भी जा सकती है क्योंकि कई मायनों में उन्होंने कई जगहों पर अगर उनके बयानों को सुना जाए राजनीति से जुड़े हुए तो कुछ ऐसे बयान रहते हैं जिसमें वो खुद लाइम लाइट में आने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे बयान रहते हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता को झकझोरने वाले या सत्ता के खिलाफ ऐसे बयान निकल कर सामने आते हैं जो सच्चाई को भी बयान कर जाते हैं। नतीजे आपके सामने हैं विधानसभा चुनाव के और नतीजों के बाद और पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी और हुआ भी उसी तरह से। तो ओम प्रकाश राजभर की अगर बात मानी जाए तो इस थर्ड फ्रंट के ऐलान के बाद, हालांकि पूरा ऐलान तो नहीं हुआ है, सुगबुगाहट चल रही है, अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है या फिर ये बोला जाए ये मोर्चा बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी समस्याएं होंगी, बीजेपी इसके लिए क्या तैयारी करेगी, या कांग्रेस या बसपा अगर इसमें नहीं है तो कितना मजबूत ये तीसरा मोर्चा रहेगा, इन सब पर विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम चर्चा ये भी करेंगे कि कल जब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की एक मुलाकात हुई उस पर भी काफ़ी चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है, अखिलेश शिवपाल एक साथ हंसते हुए भी नजर आए तो ये भी अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या जो मनमुटाव है वो कम हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने बयान भी दिया था कि शिवपाल सिंह यादव हमारे चाचा हैं और उनका आदर सम्मान हमेशा बना रहेगा, और उसके बाद कल की मुलाकात, फोटो जो ट्वीट अखिलेश यादव ने की उस पर भी खबरें चली हैं, तो ये भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ महागठबंधन या मोर्चे की बात हो रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल या कहा जाए एक परिवार के दो बड़े नेता मुलाकात करते हुए नजर आए हैं जिनके बीच मनमुटाव था, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी एक राजनीतिक विदूषक हैं और इस भूमिका में वो समय समय पर अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था 20 उप मुख्यमंत्री और 5 मुख्यमंत्री का, वैसे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर जागी है और पूरा देश व्यापी गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी एक गठबंधन किया है उन्होंने जिसमें धूल धूसरित हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उसी तरीके से वो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको अब राजनीति करने की इच्छा मन में जागृत हुई है। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता, कर्मयोगी मुख्यमंत्री और राष्ट्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर महसूस कर रही है कि आज उनके लिए लोक कल्याण का, जन कल्याण का जितना काम किया जा रहा है पिछली सरकारें ऐसी नहीं करती थी। तो इन अनुभवों से ओम प्रकाश जी को सीखना चाहिए और ओम प्रकाश जी लोकतंत्र है, कुछ भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, मगर अभी इनका ये दिवा स्वप्न नहीं साबित होगा, कहीं कोई इनके झांसे और बहकावे में नहीं आने वाला। देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है और जुल्म अन्याय अत्याचार से दुखी है। यहाँ धार्मिक उन्माद बढ़ा करके, नफरत फैला करके इस देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, इस देश में गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी को देखते हुए चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे शिक्षा की बात, जनता के बुनियादी मुद्दों को मजबूती से उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तमाम जितने गैर भाजपा शासित पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जनाधार वाली पार्टियां, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत महागठबंधन बनाने की कवायद शुरू करना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश में, देश में जिस तरीके का 10 साल पहले बात करके आई लाई गई थी सरकार, आज देश में 70 साल में पहली बार रुपए का गिरावट आई। जिस देश में रुपया गिरता है उस देश का शासक पैसा होता है। माननीय ममता बनर्जी जी से बात कर रही है, केजरीवाल साहब से संपर्क करना चाहती है, उद्धव ठाकरे साहब से संपर्क करना चाहती है, उधर जो है लालू यादव जी से संपर्क। हम जितने लोग
लोहियावादी विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, हमें न तो कांग्रेस को हराना है न बीजेपी को हराना है, हमें देश की जनता को जिताना है। देश की जनता जब अपने बुनियादी शिक्षा को पाएगी तो जीतेगी, स्वास्थ्य को पाएगी तो जीतेगी, वो रोजगार पाएगी तो जीतेगी। तो हम सभी लोग एक विचारधारा के हैं, एक विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इस देश में चुनौती देंगे। आपने देखा 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की, हमारा गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हुआ था धराशाही कर दिया, गाजीपुर में भाजपा खत्म हो गई, आजमगढ़ में भाजपा खत्म हो गई, अम्बेडकर नगर में भाजपा खत्म हो गई, बस्ती में भाजपा साफ हो गई, मऊ में भाजपा साफ हो गई, बलिया में साफ हो गई, चंदौली में साफ हो गई। तो जिन जिलों में हमने परफॉर्मेंस दिया, कुछ सीटों पर हम कम वोट से हारे, उन सीटों पर मजबूती से गठजोड़ बनाकर कि जिन लोगों को भी जरूरत पड़ेगी उन साथियों को भी एकजुट किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश ने देश में एक समान विचारधारा वाले लोगों को जो बुनियादी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं उनको एकजुट करके मजबूती से एक महागठबंधन तैयार किया जाएगा और उसका नेतृत्व कोई भी करे, चाहे शरद पवार साहब करें, चाहे केजरीवाल साहब करें, चाहे ममता बनर्जी करें, हम लोग जो भी भाजपा को रोकना चाहते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सोच है, हमारी ये प्रयास है कि सब लोग एक साथ आवें और एक मजबूत विकल्प बना करके, एक चेहरा विकल्प के रूप में खड़ा करके एक चुनौती सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटाने की शुरुआत करें। इसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं, 2-4 महीने बाद आपको ये सब चीज़ें सामने दिखने लगेंगी। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, मिसम सैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दयाराम भार्गव हमारे साथ SBSP से जुड़े हुए हैं, अजय त्रिपाठी मुन्ना हमारे साथ प्रसपात से जुड़े हुए हैं और प्रीतपाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? शबनम जी, SBSP के और कुछ विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों से बीजेपी को साफ कर दिया हमने, और जब से हमने ये तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है या फिर कहा है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के कई सारे नेताओं की नींद उड़ी हुई है, तो क्या आपकी भी नींद उड़ी है? निश्चित तौर पे सुभाषा बड़बोली के लिए जाने जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया तो हमारी नींद उड़ गई, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करेंगे तो हमारी नींद उड़ जाएगी। नींद उसकी उठती है जो सत्ता में रहकर चादर तान के सो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लगातार सत्ता में आने में एक सेवक के तौर पर जनता के बीच में रही और जनता के सभी समस्याओं के निराकरण करती रही, पॉलिसीज को धरातल पर उतारती रही और जनता के आशा और आकांक्षाओं को सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के एजेंडे के तौर पे लगातार कार्य करती रही। अब ऐसे में चुनाव आने के पहले अगर तमाम पार्टियां जो सोचती हैं कि हम अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं और हम एक गठबंधन बना लेंगे और देश की राजनीति में लोकसभा की राजनीति में हम लोकसभा जीत कर आ जाएंगे तो ये इनका भ्रम है, क्योंकि पहले भी ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में जो रीजनल पार्टीज हैं जो बीजेपी को हराती हुई आई हैं, जहां बीजेपी नहीं जीत पाई उनको एक साथ ले आएंगे, तो मतलब उन प्रदेशों में तो बीजेपी साफ हो गई। देखिए उनको ऐसा लगता है, लेकिन दिल्ली उदाहरण है, बिहार उदाहरण है, आप अगर देखिए तो वेस्ट बंगाल उदाहरण है, हर जगह जो हमने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, ये सभी उदाहरण आपको तमाम प्रदेशों में मिलेंगे, बिहार नहीं, बिहार में हमारी सरकार है, वेस्ट बंगाल उदाहरण है और दिल्ली उदाहरण है, ऐसे तमाम राज्य आपको मिलेंगे जिसमें हमने निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, क्योंकि आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के समस्याओं का समाधान किया, उन मुद्दों को उन्होंने चुना अपने शासनकाल में, जिन मुद्दों पे कभी पार्टियां सोचती भी नहीं थी, वोट की राजनीति ना करते हुए उन्होंने जनता के उन मुद्दों को छेड़ा है।
बहुत छोटा मुद्दा लगता था शौचालय, लेकिन शौचालय जैसे मुद्दे को उन्होंने उठाया जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके पूरे दिनचर्या के लिए, और ऐसे मुद्दे को गैस कनेक्शन को देखकर ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और कंडे पे खाना बनाने के लिए बाध्य करने वाली सरकार, जो महंगाई पर उनकी एक नेता रेणुका चौधरी जी बोलती है कि अरे गैस का रेट बढ़ने से क्या फायदा, क्या मुश्किल है, गांव की महिलाएं कोई गैस पे खाना बनाती हैं, इस तरह की बातें जो बोलते थे, जो ये कभी सोचते भी नहीं थे कि एक गैस सिलेंडर भी महिलाओं के हाथ मिलेगा, उनके हिस्से में आएगा, ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान हमने किया जब यूपीए सरकार हुआ करती थी, ये सारे उनके साथ गठबंधन में हुआ करते थे और पॉलिसी पैरालिसिस से सरकार को जाना जाता था, आज पॉलिसी कॉन्शियसनेस से सरकार को जाना जाता है, हर पॉलिसी धरातल पे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ उतरती है, तो हर गठबंधन जो है वो पारदर्शी तरीके जनता को दिख रहा है कि ये जितने भी गठबंधन परिवारवाद होंगे ये निश्चित तौर पे परिवार की बढ़ोतरी के लिए होंगे, देश की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। दयाराम भार्गव हमारे साथ SBSP से हैं। दयाराम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ दयाराम जी, आपके नेता ने एक बयान दिया ओम प्रकाश राजभर जी ने कि हम एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं और उस मोर्चे की सबसे अहम लड़ाई ये होगी कि 24 में बीजेपी को हराना है। शबनम पांडे जी कह रही हैं कि आपके नेता बड़बोले हैं, हमेशा बड़ा बड़ा बयान देते हैं, होता कुछ नहीं है। यही लोग तो थे, कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के वजह से जो है सत्ता पे आ गए। आज क्या हुआ, आज हमारी स्टेट दिख जाएंगे है, 7 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को लाखों चवे दबाना पड़ा और वहाँ 7 जिलों में इनका टुकड़ा साफ कर दिया हमने। और रही बात देखिए हार जीत की, ये राजनीति का तकाजा है कि हार जीत का तो लगा ही रहता, कभी हम कभी आप, इससे बहुत ज्यादा इकराना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो हमें माइंडेट दिया उसको हमने स्वीकार किया, जनता जनार्दन ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाने का काम किया, हम उसको सिरोधार किया। अब रही बात उत्तर प्रदेश, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है जैसे जीते 2022 के चुनाव से पहले आदरणीय नेता जी कहा करते थे कि हम गठबंधन जो बना रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में नहीं लाने। आप वोट प्रतिशत का अगर मार्जिन देखे तो आप भारतीय जनता पार्टी का देख लो, गठबंधन का देख लो, कितने मार्जिन से हमारे हैं। 80 सीटों पे नीतीश भाई हम जो है 7-7.5-8 वोटों से हारे, और वो भी इसलिए हारे हैं कि वहाँ का शासन प्रशासन ने हराया है। अच्छा, ये सार्वजनिक है। नहीं तो शासन प्रशासन का आज, अच्छा एक चीज और पता चली है राम जी, आज आपके नेता कहीं गए थे अपने, शायद जहूराबाद गए थे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ उनके पर हमला हो गया सुनने में आ रहा है। जी जी, अब आप देखिए तीसरा हमला है आदरणीय नेताओं का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं भयभुक्त जो है उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, राम राज्य है, तीनों की अगर परिकल्पना किया जाए ये तीनों युक्त सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था नजर है, आय धन लूट हत्या प्राण बलात्कार की जटिल अपराध हर जिले में व्याप्त है। मुख्यमंत्री इस पर अंकुश लगाने के बजाय इनके जो अपने माइंडेड कार्यकर्ता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साथ लेकर के जो जितना बड़ा क्रिमिनल है वो उतना बड़ा सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, उन्होंने एक एजेंडा एक तो साथ रखा है कि विपक्ष के जो नेता है उन पे FIR दर्ज करके या उनको डरा धमका करके किसी तरह उनको बोली ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ। ये नेता ओम प्रकाश राज सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, उसको चाहिएगा आदरणीय नेता अपने ओम प्रकाश राज अपने विधानसभा जहूराबाद पे जो वहाँ पे राजभर जी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे राजभर जी उसके घर परिवार को सांत्वना देने के लिए जाते हैं, रास्ते में सामंतवादी 25-30 लोग इकट्ठा होकर असह के साथ में लाठीचार्ज के साथ में पानी जी को घेर लेते हैं, उनके साथ केवल एक सुरक्षा कर्मी है। आप बताइए सुरक्षा की गुहार जो है जो भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता चाहे जो हमारे लगाते रहे हैं, हमारे मुखिया को जो सुरक्षा मुहैया कराई जाए उत्तर प्रदेश सरकार को दिख नहीं देता। आप बताइए जो भूमाफिया जितने क्रिमिनल है जो भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है दयाराम जी, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ आपके पास आता हूँ। अजय त्रिपाठी मुन्ना जी हमारे साथ प्रस्पास हैं।
अजय जी, एक तरफ बीजेपी काफी खुश हो रही थी कि अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच मामला ठीक नहीं चल रहा है, कल एक वीडियो सामने आ गया, फिर आप लोगों ने समस्या बढ़ा दी, क्या चल रहा है? और अब तो ये सुनने में आ रहा कि कोई एक मोर्चा बनाने वाले हैं आप लोग मिलकर के, आप लोग हैं कि नहीं उसमें? देखिए नितिन जी, जिन लोगों ने मोर्चा बनाने का बयान दिया है वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है। अच्छा, मोर्चा बनेगा कि नहीं बनेगा, मोर्चे का मुखिया कौन होगा, इसका सबसे अच्छा जवाब जिसने उस पर बयान दिया है वो दे सकता है। जहाँ रही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात, माननीय शिवपाल यादव जी इस उत्तर प्रदेश के राजनीति में सबसे मजबूत और सबसे जमीनी नेता माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की बात आती है, आम जनता से लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों दल के लोगों की मदद करने वाले नेताओं में जो नाम उत्तर प्रदेश में आता है वो भी नाम माननीय शिवपाल यादव का आता है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वर्तमान में सिर्फ एक काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। हमारे यहाँ वर्तमान समय में तमाम फ्रंटल संगठन को भंग करके नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। बहुत जल्दी ही प्रदेश की एक मजबूत कमेटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की घोषित होने वाली है। ये ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि स्टेट की जितनी भी पार्टीज हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ी थी उन सबको साथ लिया जाएगा, अखिलेश जी का भी नाम लिया, अलायंस में जितनी पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में सबका उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया है, आप लोग भी तो थे, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग का अभी कुछ कन्फर्म नहीं है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के बयान देते रहते हैं। किस समय वो कौन सा बयान देंगे ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी जान सकते हैं, उनके दल का कोई प्रवक्ता और नेता भी नहीं जान सकता है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी के भी अंग रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी अंग हैं। कब तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे, कब भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, कब समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान देंगे, आपके साथी हैं, कब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देंगे और कब वो गठबंधन बनाएंगे, ये सिर्फ आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी समझ सकते हैं। हम लोगों का जो पूरा इस समय ध्यान है या हमारे नेता का ध्यान है, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी जुल्म और जाति हो रही है, चाहे वो विपक्षी दल के नेता के साथ हो या उत्तर प्रदेश के किसी आम आदमी के साथ हो, हम उस पर आवाज उठाएंगे, हम उसके दुख दर्द में जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे माननीय शिवपाल यादव जी, हम सरकार को भी वो बात बताएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार के खिलाफ हम सड़क पर भी उतरेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज अवश्य उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर एक काम सिर्फ इस समय हमारे दल में हो रहा है, हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक बदले स्वरूप में उत्तर प्रदेश के जनता को और तमाम राजनीतिक दलों को दिखाई पड़ेगी, और तमाम मूलभूत चीजों के लिए हम सरकार से अपनी बात भी रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। ठीक, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। मिसम भाई, आपके अलायंस के लोग ये बात कह रहे हैं कि हम एक नया मोर्चा बनाएंगे और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, आप लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, उत्तर प्रदेश की कई राजनीतिक दलों का नाम लिया गया है जिसमें समाजवादी पार्टी के अलायंस की पार्टियां थी और अदर स्टेट्स की पार्टीज का भी नाम लिया गया है। अजय त्रिपाठी मुन्ना जी प्रसपा से हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई नाता नहीं हो सकता है, ये ओम प्रकाश राजभर जी जाने, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। शबनम जी कह रही हैं कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता है, वो बड़ा बड़ा बयान देते हैं, होता कुछ नहीं है। कि बयान तो नेता का एक मौलिक अधिकार है और नेता तो बयान देते ही रहते हैं, सही बात कहीं ना कहीं, तो अगर ये बात राजभर जी ने कही है तो ठीक है। अगर हम किसी भी तरह की सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और इस तरह की पार्टीवादी सोच को रोकने के लिए अगर एकजुट होने का कार्य करेंगे, वो कोई भी हो, किसी के भी खिलाफ हो, तो उसका समर्थन होना चाहिए। अब वो तो शीर्ष का नेतृत्व का मुद्दा है कि वो तय करे कि किसके साथ और कब कहां मोर्चा बनना है, क्योंकि इसके लिए जो है वो किसी एक के कह देने से नहीं है, लड़ाई लंबी है और सोच समझ करके और ये विचारों की लड़ाई है, बैठ करके आगे नेतृत्व तय करेगा। अगर इस तरह से कोई मोर्चा बनता है इस तरह की ताकतों को रोकने के लिए, वो किसी भी पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, विशेष व्यक्ति की, किसी भी खिलाफ जो देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और आपसी भाईचारे को, मेल को, मिलाप को खत्म करना चाहता है, नफरत को बढ़ाने का कार्य करता है, अगर उसको रोकने के लिए
अगर कोई मोर्चा बनता है, कोई व्यक्ति विशेष आता है, कोई पार्टी बनती है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा से साथ है और साथ रहेगी। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान की बात नहीं है, ये किसी भी विशेष व्यक्ति दल की बात है। अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है, देश में सद्भावना बनी रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, आपकी मेल मिलाप भाईचारा बना रहे, अगर उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी मोर्चा और किसी भी तरह का कोई भी अगर अलायंस बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा तत्पर है, तैयार है। और रही बात मुन्ना जी, उन्होंने अपनी एक बात रखी, उन्होंने अपनी एक बात कही, उनकी एक पार्टी की बात है और वो उनके, ये तो जो मोर्चे की बात है जो अभी आज मुन्ना जी ने कही, अगर मान लीजिए शिवपाल यादव जी अगर मोर्चे को स्वागत करेंगे, उस मोर्चे में आना चाहेंगे, उस अलायंस में जुड़ना चाहेंगे, तो मुन्ना जी भी जाहिर सी बात है कि जुड़ेंगे और इससे अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके नेता नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जमीनी नेता हैं, और शबनम जी कह रहे हैं कि कोई कुछ भी बना ले, जो प्रदेश और देश की योजनाएं सरकारों की तरफ से लागू की गई हैं, चाहे वो शौचालय वाली हो गई हो, चाहे गैस सिलेंडर वाली हो गई हो, इनके आगे कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए, आपने सबसे बड़ी चीज तो इतने पुरुषों में एक महिला को बिठाया है और समाजवादी पार्टी उसके तमाम कार्यकर्ता और नेता महिला का सम्मान करते हैं। खुशबू जी की बात पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शबनम जी की बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहाड़ा पढ़ रखा है, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरह का नारा ही जो पहाड़ा ये पढ़ते रहते हैं, किसका विकास है, किसको बचा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, इसके पास इनकी कोई दलील नहीं है। अब ये अपना विकास हवाओं में कर रहे हैं, अपनी बातें, एक भी बात इन्होंने कोई अभी तक, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुए महीने गुजर गए हैं, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत ये दे नहीं पाए हैं। बिजली आप देख रहे हैं जब कितर बनी हुई है, तमाम जगहों पर किल्लत है बिजली की, लोग अंधेरे में और गरीबी में और परेशानी में, गर्मी में किस तरह से जनजीवन अस्त बेहाल हो रहा है। नौकरी अभी तक इन्होंने दी नहीं है, सिलेंडर देने का वादा किया था, रेट बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल की बात कही थी दाम बढ़ाते जा रहे हैं, रोजगार क्या हाल तो पहुंच चुका है, किस तरह से देश के सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं, गरीब किस तरह से जो है वो त्राही त्राही माम कर रहा है, किस तरह से गरीब की जेब काटी जा रही है, और किस तरह से आप कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किस तरह से अपराध बढ़ा है। आप देखिए कि धरती का भगवान कहे जाने वाले बुद्धिजीवी डॉक्टरों पर पर्याप्त गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, नौकरी करना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग इसके दबाव में आकर के महिलाएं और पुरुष फांसी लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के जीत जाना एक अलग बात है, जीत करके नितिन जी जीत जाना एक अलग बात है, जीत करके जनता के विश्वास पर खरा उतरना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये एक अलग बात है। और रही बात लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता सदैव नहीं होती है, उतार चढ़ाव होता रहता है। राजनीति के अंदर कोई भी आदमी सदाव नहीं आया है, अमृत की करके नहीं आया है। ठीक है, मिस्टर आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। प्रीतपाल सलूजा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, एक नया मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट चल रही है, आप लोग साथ हैं, क्या है इसमें और कितने इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है आपको? नितिन जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, वो अपने उनके खुद के विचार है। अच्छा, आम आदमी पार्टी इस समय देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आ चुकी है। हम दिल्ली के बाद पंजाब में भी राज कर रहे हैं, गुजरात के अंदर भी हम इंटर कर चुके हैं, हम चंडीगढ़ में भी इंटर कर चुके हैं, आसाम में भी हमारे नगर निगम के प्रत्याशी जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी अति उत्साह में है। हम उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं कर पाए, आपके सवाल से पहले मैं बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रधानी चुनाव निकला था तब हम लोगों ने 40 लाख वोट प्राप्त किए थे, 83 हमारे ग्राम प्रधान थे हमारे। तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जब 2024 का चुनाव होगा तब आम आदमी पार्टी, चूंकि देश के अंदर 135 वर्ष पुरानी जो पार्टी कांग्रेस है उसको भी पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी काफी आगे बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका था विजय का, पंजाब के अंदर भी इनके सपनों को छुटना शुरू कर दिया हम लोगों ने, गुजरात के अंदर हम लोग 22 सीट ला के सूरत। इसका मतलब ये माना जाए कि आप, इसका मतलब ये माना जाए कि आप साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे? देखिए, भविष्य में ये तो आने वाले समय बताएगा कि हम किसके साथ जाएंगे या कौन हमारे साथ आएगा। मकसद ये है कि देश के अंदर, जैसे अभी हमारे घर शबनम जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं है, योजनाओं के कारण लोग खुश है। आपको पता होना चाहिए, जो विदेशी मुद्रा जो डॉलर के रूप में हमारे पास होनी चाहिए, आरबीआई ने पिछले 2 महीने से यानी 60 दिन से बकायदा
देश के प्रधानमंत्री को, देश के केंद्र की सरकार को सचेत कर रही है कि मात्र $600 अरब जो है वो मात्र मुद्रा के रूप में हमारे पास बचा है। आपको पता होना चाहिए श्रीलंका की जो स्थिति आज बदतर हुई है वो 119% उन्होंने विदेशी कर्ज रखा था तब उनकी स्थिति खराब हुई है। आज हमारे देश के पास 90% के कर्ज के रूप में हम आज खड़े हो चुके हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो भी, जब आटा यहाँ पे भी 200 से 250 रुपए किलो बिकेगा। 30% हमारा इस समय गेहूं की जो पैदावार थी वो कम हुई है गर्मी की वजह से। उसके बाद हम अपना गेहूं बेच रहे हैं यूक्रेन को, रूस को और बाहर भेज रहे हैं। हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कर पा रहे। आपको बताओ बिहार और सब जगह पे इन्होंने कह दिया कि इस बार हम गेहूं नहीं दे पाएंगे। जो गरीबों को देने के लिए जो गेहूं राशन में दिया जाता था, केंद्र सरकार ने नोटिस दे के बता दिया कि गेहूं नहीं दे पाएंगे आने वाले समय में। आप नितिन जी कह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। 1000 से ऊपर हम सिलेंडर लेके जा रहे हैं, बहन हमारी कह रही है कि हम सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। एक सिलेंडर देने के बाद उस सिलेंडर को वो घर में या झोपड़ी में सजाने के लिए रख रहे हैं, और जिस घर में बेचारे के पास नहीं तो वो तो ये भी कह रही ना कि वो तो ये भी कह रही है शौचालय जैसी समस्या पर किसी ने नहीं सोचा था, हमारी सरकार ने सोचा, उस पर काम किया, लोगों को शौचालय मिला। भारतीय जनता पार्टी, नितिन जी भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है शौचालय में है, गाय में है, गोबर में है, और लोगों के गुरकों में, लोगों के धर्मों में देख के झांकने का काम इनके अंदर है। लोगों की झोपड़ियां तोड़ने की, गरीबों के जिनके पास राशन नहीं है प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते हैं, ये उनकी झोपड़ियां तोड़ के उनको सड़क पे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी बहन है सबनम जी, कई बार हम लोग उठ बैठ चुके हैं, ये जरूर विचारधारा की हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को उस दौराए पे खड़ा के कर दिया है कि देश की जनता ये सोच नहीं पा रही कि हमने जिनको वोट दिया था वो तो अच्छे दिन के लिए दिया था। दूसरी बात मौका दिया, मगर आज हमारे सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, हमारे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, हमारे जो रसोई का तेल हुआ करता था उसके भाव बढ़ा दिए, सब्जियों के भाव बढ़ा दिए। किसान को कहा करते थे कि 2024 में इनकी आय बढ़ा देंगे, 2022 तक इन्होंने दावा किया था आय दोगुनी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, संसाधन दो महंगे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर कुछ इनका पहिया रोकेगा तो आम आदमी पार्टी है जो इनके विजय रथ को रोकने का काम। ठीक है, मैं आता हूँ। शबनम जी क्या कहना चाह रही थी आप? देखिए, अभी आपने कहा कि ये पूरे देश भर में राजभर जी अपना एक गठबंधन करने आएंगे, और आपने तकरीबन 3-4 पार्टियों को बुलाया और आपने देखा कि गठबंधन तो यहीं पे टाई फिक्स हो गया उनका। तो जो मैंने बयान दिया कि वो उनका बड़बोलापन है, ये आपको पूरी तरीके से चुनाव आते आते दिख जाएगा कि किस तरह का बड़बोलापन है। अब अगर समान विचारधारा की बात करें तो एक ही विचारधारा देश के विपक्षी पार्टियों में है जो कि हमारा समर्थन नहीं करते हैं, और उनको है कि मोदी जी को पद से हटाओ और इनको सत्ता दो। इनका देश के विकास से, देश की जनता की समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो हमारे भाई बोल रहे हैं, वो तो पंजाब में सत्ता संभालते ही चल दिया अपने मुफ्त की चीजों के लिए पैसे मांगने केंद्र के पास, और आज केंद्र को खरी खोटी सुना रहे हैं कि केंद्र ऐसा और केंद्र वैसा। जनता जानती है, जनता विपक्षी पार्टियों से ज्यादा जागरूक है, ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि कोरोना जैसी महामारी विश्व में इस सदी में पहली बार आई है। इसकी मार से 39 सालों बाद जो महंगाई आई है अमेरिका में, 39 सालों बाद आई है, इतनी भयंकर महंगाई आई है। अगर यूनाइटेड किंगडम में देखिए तो 13 साल बाद ऐसी जबरदस्त की महंगाई आई है कोरोना के बाद, ऊपर से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। हर किसी को पता है कि हम जो चीजें आयात करेंगे उसका उत्पादन उसके रेट को, उसके मूल्यों को तय करेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। और इन बातों को चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता बेहतर तरीके से समझती है कि ये महंगाई की मार सरकार द्वारा नहीं है, कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बन के आई है उनकी वजह से है। भले ही विपक्षी पार्टियां कितना भी बरगलाएं, कह दें कि ये बीजेपी का वैक्सीन है मत लगाइए, पर देखिए भारत की जनता ने कितनी बेहतर तरीके से उन्हें नकारा। ठीक है, और शबनम जी मैं रोकूंगा आपको। प्रीतपाल कुछ कह रहे हैं, इनकी सुन लेते फिर आता हूँ आपके पास आ रहा हूँ। प्रीतपाल जी क्या कह रहे थे? बहन शब्दन जी ने कहा कि कोरोना के कारण हम जो पूरा विश्व इस समय महंगाई की मार झेल रहा है वो हमारा भारत भी झेल रहा है।
आप भी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं नितिन जी, मैं गौरव जी को भी फॉलो करता हूँ। 2016 से इनकी जो नीतियां थी जी। वो ऐसी बद से बदतर होती चली गई कि 2019 में देश का क्या पूरा विश्व का मीडिया दिखा रहा था कि देश जो है, भारत जो है 45 वर्ष पहले जिस महंगाई के जमाने में था और जिस बेरोजगारी के समय में था वो पहुंच चुका था। कोरोना आया 2020 दिसंबर में जी। और बहन हमारी 2020 में बता रही है कि 2022 में बता रही है कि 2 साल कोरोना के कारण हम पीछे हुए हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां थी उसके कारण 2016 से ही देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, जो 2020 आते 2019 आते आते 45 वर्ष की स्थिति में आपने खड़ा कर दिया था देश को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 2020 में आप 2020 में दावा कर रहे हैं कि 2022 में 2020 में कोरोना आया देश के अंदर, अब 2 साल हुए तो 2019 में वो ठीक है प्रीतपाल जी, चैनल दिखा रहे थे वो गलत दिखा रहे थे। ठीक है, मैं जवाब ले लूं, जवाब ले लूं शबनम जी। शबनम जी देखिए, इसके बाद मैं प्रीतपाल जी को ये भी बताना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रचा है, कह रहे थे कि कोई जीत के आ जाए तो बड़ी बात है, जीतने के बाद जनता विश्वास करे ये उससे भी बड़ी बात है, हमारे विपक्षी पार्टी ने कहा। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। हम चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश राज्य में हो या गुजरात राज्य में हो, हम जीत के आए, जनता ने विश्वास किया। और उत्तर प्रदेश जो महंगाई पे कुछ बोल रहे वाले हैं, महंगाई पे कुछ देखिए, महंगाई पे भी मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से आर्थिक रिफॉर्म हुआ हमारे देश में, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार इस तरीके का कदम उठा सकती थी। हमने आर्थिक रिफॉर्म किया और आज देखिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है हम जीएसटी में पर मंथ हमें जीएसटी से जो है आमदनी होती है। और दूसरी बात, कोरोना के बाद, कोरोना में जिस तरीके से हमने संभाला देश को और कोरोना के बाद जिस तरीके से देश को संभाला, जिस तरीके से हमने खाद्यान्न मुफ्त दिया, हमने आर्थिक मदद की तमाम ऐसे तबके को जिनको की आर्थिक मदद की जरूरत थी, ये केवल हमारे देश में इस तरीके से मजबूती से हम, जबकि स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे हैं अन्य देशों से, हम बहुत से मामलों में अमेरिका, इटली, फ्रांस इनसे पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से भारत उठ खड़ा हुआ कोरोना के बाद, ये भी काबिले तारीफ है। ये बुराई पे बुराई करते रहे, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। हाँ प्रीतपाल जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आगे चलूंगा। मैं नितिन जी बहन से ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है शबनम जी, वो आर्थिक रिफॉर्म किस हिसाब से देखती है? 2019 में जब 45 वर्ष पुराना जब दिखाया गया तो हजारों करोड़ रुपए का जो लोन, हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन था, वो अंडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का रोका जाता है, गरीब के खाते में कुछ भला नहीं होता। ठीक है, गरीब जो किस्त दे रहा था, मकान मुझे लगता है, किस्त दे रहा होता, उसके फूट नहीं, चश्मे का पार कम हो गया है, क्योंकि अंडानी अंबानी की कंपनियों को मदद करने वाली जनकल्याणकारी के बारे में जरा भी पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जनकल्याणकारी योजनाओं में सरकार काम कर रही है, इस तरीके के काम देखने को आई। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। प्रीतपाल जी प्लीज, ठीक है, आ गई बात। ठीक है सर, ठीक है। प्रीतपाल जी, आपके इसी बड़बोलेपन ने उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। आम जनता की रसोई महंगी होती जा रही है बहन, आम जनता गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पा रही, कोयला आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आवागमन की जितने भी साधन थे ट्रेनों के आपने कैंसिल कर दिए। पंजाब और दिल्ली में वैट कम किया, चलाने में नाकाम दिखाने के लिए वैट कम करके दिखाई, जीतने में महत्वपूर्ण है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जवाब मिला, ठीक है प्लीज, ठीक है हम आगे चलेंगे। आपके मंत्री नहीं आ रहे, 55 आपके विधायक आ रहे, ठीक है प्लीज, ठीक है प्रीतपाल जी, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। दयाराम जी, आवाज आ रही है? दयाराम जी, शबनम जी कह रही है कि जिस मुद्दे पर ये चर्चा हो रही है, ये डिबेट हो रही है, उस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को मैंने जो बैठाया हुआ है और उन्हीं लोगों ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये बड़बोलापन तो सब पहले ही साबित हो गया। फिर उन्होंने अपनी सारी योजनाएं भी गिना डाली, उन्होंने कहा कि जनता इन योजनाओं के साथ जाएगी। देखिए नितिन भाई जी, हमारी शबनम पांडे जी को हमको लगता है ये लोग चश्मा जो है मोदी वाला पहन रखे हैं।
अरे तो जनता वाला भाई पहनते थे लोगों को दिखाई देता, सत्ता में है पार्टी में है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नितिन भाई सुनिए तो सही, सुन लीजिए, ये लोग मोदी और योगी जी का जो चश्मा है तो भैया इनको हरा हरा ही दिखाई देगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? निश्चित तौर पे उन्हीं का चश्मा पहनना चाहिए क्योंकि वो चश्मा संवेदनशील। देखिए आपको भी कह रहे हैं कि आप भी पहन लीजिए वही चश्मा। मैं तो ये कहती हूँ वो चश्मा सबको पहनना चाहिए क्योंकि उसी चश्मे से देश में अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने को सेवक के तौर पर जनता के बीच में देखते हैं, ना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पे। आज जिस तरीके से जनता के लिए सेवा भाव मंत्रियों में और नेताओं में भारतीय जनता पार्टी का दिखता, वो मिलने दिखता था। पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनियों को बेच देते हैं मोदी जी, उपरोक्त कदम से हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा तो नहीं करा पाए बल्कि हवाई यात्रा करने वाले हवाई चप्पल पे आ गए। हर घर में जो चूल्हा जल पा रहा था बल्कि सिलेंडर से महंगाई का जो दिल जला रहा है, ये शबनम पांडे जी कहना चाह रही है, इसको ये कह नहीं पाई। अब आपको बताते हैं 2018 से 2022 के बीच में जरा सा अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी सुन लिया करिए, पढ़ लिया करिए। चार साल से सेना में भर्ती नहीं है, बोलापन की राजनीति से ज्यादा जरूरी है पहले खबरों को पढ़कर फिर निर्णय लिया जाता है और फिर उस पर बयान दिया जाता है। सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाता जैसे ये गठबंधन का चैनल पे हो गया, वो ये भी आपकी खबरें। शबनम जी कह रही थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी पढ़ा करिए भाई आप। अरे भैया मोदी चश्मा मुझे पता है, इसीलिए तो मोदी जी के साथ भारत के मीडिया जो गोदी मीडिया गई थी अंदर नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने कहा जो है नॉट इंडियन मीडिया, वहां घुसने नहीं दिया। अब आप बताइए कितने अच्छे हमारे मोदी जी हैं। आप देखिए ना सुबह से शाम गोदी मीडिया केवल मोदी की रट लगाए बैठा है, महंगाई की चर्चा क्यों नहीं दिखाई देता? इसमें सबको खड़ा कर रहे हैं क्या आप? जो 90 रुपए इसमें सबको खड़ा कर रहे हैं क्या? परेशान नहीं होइए, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम की चर्चा कर दे तो ये उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। इन्हें दयाराम जी सबको खड़ा कर रहे हैं इसमें, इस लॉबी में। नहीं नहीं हम बता रहे, देखिए नितिन भाई हमने कहा ना इनकी गोदी मीडिया जो सुबह से शाम। अरे भाई गोदी मीडिया वाले में सबको खड़ा कर रहे हैं क्या? मैं इतना पूछ रहा था। नहीं मैंने तो आपको नहीं कहा, मैंने आपको नहीं कहा जी। मैंने आपने महंगाई को भी डिबेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया महंगाई की डिबेट कर रही है? वो तो सुबह से शाम रट्टू लगा के बैठी है मोदी मोदी मोदी, उसके सिवा उसे कुछ दिखाई देता है? उसे महंगाई नहीं दिखाई देता? ऐसे ही जनता सुबह से शाम तक मोदी 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 करते हैं, इसलिए आप परेशान होकर गठबंधन बनाने की सोच बना रहे, पर वो भी गठबंधन में कोई साथ नहीं होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेवा बहुत, क्या नाम, स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश दुरुस्त है। अभी इनके नव नियुक्त जो स्वास्थ्य मंत्री बने वो हर जगह जा रहे हैं, आप अस्पतालों का हाल देख लीजिए। लोगों को जो पिछली सरकारों में अवलंब मुहैया थी, लोग जो है प्रसव पीड़ा से मर जाते हैं रास्ते में, उनको क्या नाम है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता। कुछ महिलाओं को यहाँ तक आया है, मैं किसी नगर की घटना बता रहा हूँ, वो महिला अंदर भर्ती नहीं हो पाई, सड़क में ही बच्चे को जन्म दिया। यह उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश योगी जी का, इस पे चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। देखिए ये लोग मुद्दे से भाग जाते हैं। भाई आप जिनके साथ गठबंधन किए उनकी सरकार के समय की बात सुनिए और समझिए और पुराने अखबार पढ़ के देख लीजिए कितनी बदतर स्थिति में थी कि जनता ने दोबारा हमें चुना, उन्हें ठीक है, प्लीज ठीक है, ठीक है दयाराम जी ठीक है, आ गई बात, आ गई बात, आ गई। मैं आता हूँ आपके पास, मिसम जैदी हमारे साथ सपा से है। मिसम भाई शबनम जी कह रही है हमारी योजनाएं बेस्ट है, ये गठबंधन वाला जो मामला चल रहा है या मोर्चे वाला जो चल रहा है ये कुछ नहीं होना। हाँ मैं ये भी देख रहा था कि शबनम पांडे जी ने एक बात और भी कही थी कि विदेश की नीतियों का हवाला दिया था कि हाँ वो विदेशी खबरें भी उन्होंने कहा कि पढ़ा करिए आप लोग, थोड़ा पढ़ते नहीं है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल इस बात पर सहमत हूँ कि देखिए नेहरू जी के भी टाइम पर महंगाई बहुत बढ़ गई थी, कांग्रेस के टाइम पर भी बढ़ गई थी, है ना, इंदिरा गांधी जी के भी टाइम पर बढ़ गई थी, तो इनके भी टाइम पर बढ़ गई है तो कोई बात नहीं। मगर उस वक्त ये सीना क्यों पीट रही थी जब कांग्रेस के टाइम पर महंगाई बढ़ रही थी? और जब कुछ सब ऑटोमेशन पर लगा हुआ है और विदेश की नीतियों से और विदेशी मुद्रा स्फीति से अगर महंगाई घटती बढ़ती है तो फिर इनका क्या रोल है और इनका क्या काम है? मैंने देखा भी कुछ दिन पहले इनके माननीय नेता जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये कह रहे थे कि यूक्रेन का भी जो युद्ध चल रहा है उससे पहले एक पहले हुआ था, एक युद्ध हुआ था उसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी उसका नाम का, बड़ा अच्छा सा नाम है उस मुल्क का, तो वहां पर उस लड़ाई चल रही थी नेहरू जी के टाइम पर,
तो इसी का ही हवाला दिया था उन्होंने कि उन्होंने ये कहा सदन में खड़े होकर कि साहब वहां पर युद्ध चल रहा है दक्षिण कोरिया में, तो इस वजह से महंगाई बढ़ गई है, तो उसका उपहास बना रहे थे। और फिर आज की डेट में यूक्रेन का ही हवाला दे करके इनको मजबूरी हो गई कि यूक्रेन का हवाला दे करके महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। तो मेरी बात ये भी समझ में आती है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी तो ये किसी कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में नेहरू जी को और तमाम दीगर नेताओं को खुद कटघरे के अंदर खड़े हो जाते हैं। इनको तो ये समझना चाहिए कि इन्हें करना क्या और ये कह क्या रहे हैं। रही बात देश को जो इन्होंने कसम खाई है, जो ओथ ली है, जो शपथ ली है इन्होंने देश को, प्रदेश के लोगों कह रही है कांग्रेस के लिए इतना दर्द क्यों है आपको? नहीं, मुझे दर्द नहीं है। मेरा देखिए यही बात है ना, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्रूरता वाली राजनीति करती है, विदेश भावना रखकर के राजनीति करती है। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं जनता के लिए, अगर कोई चीज जनता के इतिहास में बेहतर है तो हम उसका सराहना भी करते हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं और हम उन बातों का सम्मान भी करते हैं। मगर ये नहीं कि अगर कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, उसके विचार हमसे नहीं मिलते हैं, तो उस आदमी को हम अछूत समझने लग जाएंगे या हम उसको किसी तरह का विदेश भावनाओं के खिलाफ में रखेंगे। नहीं, आप अछूत रही बात यहाँ पर, देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जो हालात गुजर रहे हैं, जिन हालातों से देश गुजर रहा है, सवाल उसका किया जा रहा है, सवाल बड़बोलेपन का नहीं किया जा रहा है। आप नगर स्थिति में पहुंच चुके हैं, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, और फिर 2024 के आप इलेक्शन के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं। और आपको इस बार ये एहसास होना चाहिए कि जो भी आपने वादे किए थे, जो जो भी तरह की आपने जनता के लिए कसमें खाई थी, जिस तरह से आपने सदन में खड़े होकर के शपथ ली थी देश के लिए, उसमें आप कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं विफल हो गए। ठीक है, बात यहाँ पर यह है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जो जनता भुखमरी के कगार पर आ रही है, अगर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात अगर भारत में हो गए, मालिक न करे ऐसा हो, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो उस स्थिति से निपटने के लिए आपने कोई तैयारियां कर? देखिए मिसम भाई शबनम जी कुछ कह रही है। शबनम जी, मैं जयदीप साहब को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, चुनाव से पहले भी इसी तरीके के जो अनर्गल आरोप हैं, इन आप लोगों ने लगातार लगाया उत्तर प्रदेश में, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके हर बातों को अनदेखी किया। इसी तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन को लेकर बड़बोलापन करा, उल्टा सीधा बयान दिया, जनता ने उसे भी नकार दिया। अब थोड़ी गंभीरता दिखाइए, अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है गंभीरता दिखाइए, सच्चाई को नकारने से काम नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखता तो आप भी मोदी जी और योगी जी का चप्पा पहन लीजिए। मैं तो ये भी आपको कह रही हूँ, पहन के देखिए, आपको दिखेगा धरातल पर राजनीतिक पार्टियां देश और प्रदेश की प्रगति और चौतरफा प्रगति दिखेगा, चौतरफा विकास दिखेगा, ना कि परिवार की प्रगति और ना कि परिवार का तालिबान का भी युद्ध चल रहा था कांग्रेस के टाइम पर, तो यही बात कांग्रेस भी करती थी, यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो आखिर जनता ने आपको चुना है तो इसलिए थोड़ी चुना है कि अगर कहीं का युद्ध हो तो हम सफर करें। भाई हम उसको क्यों भुगते हैं, हमारी क्या गलती है, हम इस पर पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं ये न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है मिसम भाई, अजय जी हमारे साथ है। अजय जी लास्ट में आपके पास, क्योंकि सबकी बातें आपने सुनी, अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? और दूसरी चीज, महंगाई का मुद्दा भी इसमें उठा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास अभी रुक जाएगा, मैं अजय जी की बात ले लीजिए। हाँ अजय जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए नितिन जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में महंगाई की मार है। भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश के जनता के हित में महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई को जितना कंट्रोल कर सकें उतना ही सरकार की छवि जनता के नज़रों में अच्छी बनेगी। आज आप 20 साल पहले 10 साल पहले सिलेंडर का रेट देख लें और वर्तमान में सिलेंडर का रेट देख लें, उसमें काफी डिफरेंस है, जिससे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरी दूसरे देशों में युद्ध का जो हवाला दिया जा रहा। देखिए पहली बात है कि महंगाई बढ़ती क्यों है। देखिए पहले थोड़ी देर सबनम जी चुप रहिएगा, देखिए थोड़ी देर चुप रहिए, जब कोई व्यक्ति बोले तो दूसरे व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत कम होती है,
तो आखिर यहाँ पर तेल का रेट कम क्यों नहीं होता है जी। तो जब तेल के रेट तेल का पैसा या तेल का रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा हुआ तो सरकार को अपने स्तर से उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हर बार जनता को महंगाई की आग में नहीं झेलना चाहिए। एक विपक्ष का नेता होने के नाते हमारा आपको सुझाव है और उस सुझाव पर आपको अमल करना चाहिए। शबनम जी कुछ ये बिल्कुल नहीं, अब रुक जाइए, देखिए हर बार अगर आप दूसरे कोई मौका जवाब लेकर देखिए, पहले तो हमारे समय में आप काफी कमी कर चुके हैं। नहीं, नहीं, जब दूसरे व्यक्ति को बुलाए तो आप उसकी मैं जवाब लेके आप ही के पास आता ना, बात को भी समझने की कोशिश करिए। और दूसरे नंबर रही बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बाद, निश्चित तौर पर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की जितनी जानकारी माननीय शिवपाल यादव जी को है, उत्तर प्रदेश के किसी दल के किसी नेता के पास नहीं है। कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बिना माननीय शिवपाल यादव जी के किसी कीमत पर विपक्ष का सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीति में, वर्तमान समय में हम लोगों का किसी गठबंधन से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार अगर उस बात को सुनेगी, मानेगी तो हम अपनी बात रखेंगे, और नहीं मानेगी तो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर के हमारी संगठन जब मजबूत बन जाएगा तो हम सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में हमारी भी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से छुटकारा मिले, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता को छुटकारा मिले, और जितनी भी क्राइम है उत्तर प्रदेश में उससे भी उत्तर प्रदेश को छुटकारा मिले, ये जरूर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहती है। बाकी शबनम पार्टी मैं जवाब लेके आपके पास आ रहा हूँ। शबनम जी क्या कह रहे थे? शबनम जी चली गई है। अच्छा, शबनम जी शायद चली गई। प्रीतपाल जी क्या कह रहे थे आप? हानी शबनम जी है, प्रीतपाल जी शबनम जी है। शबनम जी क्या कह रही थी? अजय जी की बात आपने सुनी अभी। मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि गैस का प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ है, और जो चीजों का उत्पादन हम नहीं करते, जिनका हम आयात करते हैं, उनके प्राइस के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर ये कहते हैं कि जिस समय कम हुआ तो आपने क्यों नहीं कम किया, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, 1.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड एक तरीके से कर्ज लिया यूपीए सरकार ने, और उस कर्ज को भरने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उस कर्ज को भरने के लिए भी इंतजाम ठीक है। मैम अजय जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अजय जी जवाब दे रहे हैं। मैडम, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जब वोट दे करके सरकार को चुनती है तो वो ये अपेक्षा करती है कि जो अन्य तरीके के डिफरेंसेज हैं वो सरकार संभालने का काम करती है। पहले भी सब्सिडी देने का प्रावधान था, जब जब महंगाई बढ़ती थी जनता के हित में सरकारें सब्सिडी देती थी, तो वो काम फिर से भारतीय जनता पार्टी को भी जारी रखना चाहिए। कुछ महंगाई की मार सरकार झेले, ना कि हर महंगाई की मार जनता के ऊपर आप ढकेलेंगे, जनता के ऊपर लादने का आप काम करेंगी, ये जरूर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। क्योंकि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है, उसने चुन करके देश और प्रदेश में भेजा है। ठीक है प्रीतपाल जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, डिबेट करते हैं। देश हमारा वेलफेयर कंट्री हमारी है, वेलफेयर कंट्री होने के नाते हमको जो आखिरी पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हर तरह की सब्सिडी कुछ भी सरकारें दे रही थी, आपने आते ही सारी सब्सिडी खत्म कर दी। और प्राचीन जानकारी की आप बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जो वर्तमान में तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो कहते थे कि 1947 देश आजाद हुआ था, तब $1 की कीमत ₹1 हुआ करती थी, तब उनको ये जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं रही, तब के मुख्यमंत्री को, जो उस समय पौंड चला करता था, रुपीज नहीं चला करता था। तो शबनम जी कम से कम अपनी पार्टी में झांक लीजिए कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनको जानकारी कितनी है। ठीक है, मेरे पास 20 सेकंड में इतनी बात। ठीक है सर, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में अब 2024 के चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और मौजूदा सत्ता दल जो अलग अलग प्रदेशों में है और केंद्र में, यानी बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में तैयारियों में लग गए हैं। देखना ये होगा कि इस बार की लड़ाई कितनी अहम होगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बार कई सारे मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है, जिसमें महंगाई सबसे अहम है, क्योंकि महंगाई इस वक्त उस समस्या की तरह हो गई है जिसका निजात पा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीनी अनुमति, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।